नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। किसान आंदोलन को लेकर किसानों और सरकार में बना गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि प्रदर्शन करने से हम किसी को रोक नहीं सकते, कमेटी के जरिए ये मामला जो है वो हल होना चाहिए। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि केंद्र सरकार आंदोलन को रोक पाने में और कानून को स्थगित करने में यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमें करना पड़ेगी। इस बात को लेकर एक बार फिर अब एक नई बहस को जन्म हो गया है कि अब क्या कुछ सरकार कार्रवाई करती है आगे जाके और किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ फैसला अब सरकार का होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम फटकार, खत्म होगी तकरार, यह है हमारा आज का विषय और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत। ब्रजेश जी, क्या कहेंगे अब? सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से सरकार से कह दिया है कि क्या वजह है कि वो होल्ड पे नहीं रख सकते इस कानून को और एक तरह से फटकार लगाई है और साफ कहा है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें करना पड़ेगा, क्या कहेंगे? किससे सवाल है, मुझसे या मालू जी से? ये आपसे सवाल है ब्रजेश जी, चर्चा का आगाज आप ही से किया। जी जी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके बाद भी शर्मिंदगी नहीं आ रही। आप आज देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ तौर से ए बोबड़े जी का मैं कानून का डायरेक्टिव देख रहा था, उन्होंने साफ तौर से एजी बेणु गोपालन को न सिर्फ डांटा बल्कि कहा कि आप मुझे भाषण मत पिलाएं और संयम से बात करें। किसी भी एजी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं भी एक लायर हूँ, मैं समझता हूँ कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर, कोर्ट की प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप सरकार कर क्या रही, सरकार के हाथ पांव बंधे हुए हैं क्या? मैं समझता हूं कि इस तरह की घटना इस देश के अंदर किसी भी संवैधानिक संस्था ने अगर एक डायरेक्टिव दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद भी केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिमाग में ये बात नहीं गूंज रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जिस तरह से दो दिन पहले उनकी सभा को लेकर के बवाल मचा, उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इस घटना के पीछे सरकार ये कह रही है कि ये जो है ये किसान लोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे दलों के आए लोग इस तरह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज सारा का सारा आर्गुमेंट सुना, मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के राजनीतिक घटना चक्र की सबसे बड़ी आज की परिभाषा है सुप्रीम कोर्ट की। और ये उनको फैसला करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो कल करें या किस्तों में करें ये उनका जुरिडिक्टिव है। लेकिन जिस तरह से सीताराम येचुरी, डी राजा और किसान आंदोलन को लेकर के शरद पवार और सभी पार्टियों के नेताओं ने इसके बाद अपनी बात किया, मैं समझता हूँ कि इसके बाद देश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आना चाहिए कि ये बदमाशी नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप एबव द लॉ कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को ये कहना पड़े जा करके कि आप ये तीनों काले कानून होल्ड क्यों नहीं कर रहे थे, इनको वापस क्यों नहीं ले लेते हैं। इसके पीछे देश के अन्नदाता किसान इतने दिन से आज 43-44 दिन हो गए और 46 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आश्चर्य सबसे बड़ा ये है कि सुनवाई के दौरान जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा करके सरकार क्या आखिर देश के अंदर मैसेज क्या देना चाहती है, क्या उन्हें देश के अन्नदाता किसान की दर्द पीड़ा उनके जीविकोपार्जन के बारे में कोई चिंता नहीं है, ये आप इस तरह सरकार चलाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा मैं। ये 8 दौर की बातचीत ब्रजेश जी हो चुकी है किसानों की और सरकारों के बीच में, उसके बीच में सरकार तमाम संशोधन करने के लिए भी तैयार है। साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि MSP खत्म नहीं होगी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा जो है हल्ला मचा हुआ था। संशोधन के लिए तैयार है सरकार, लेकिन एक कदम सरकार आगे आती है तो एक कदम किसानों को भी और विपक्षी दलों को भी आगे आना चाहिए, आपको नहीं लगता क्या अविनाश जी? क्यों करें किसान,
मुझे एक बात बताइए, जिस समय केंद्र में के अंदर पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में चुपके से चोरी चोरी बिना विपक्ष के साथ बहस की, ये लोकतंत्र का तकाजा है, संविधान का, और देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से कोई भी बिल पारित होता है तो हम समझते हैं उसके पहले उस पर बहस होती है, बिना किसी बहस के पहले आप उसको अध्यादेश के रूप में लाते हैं, राज्यसभा से ला करके उसको चोरी चोरी पास करा देते हैं। हम समझते हैं देश के 41 किसान संगठनों से तब सरकार ने बात क्यों नहीं किया, क्या सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब ये वेणुगोपाल जी तर्क दे रहे तो डांटा उन्होंने, कहा कि आज आप बात कर रहे हैं, देश के 41 किसान संगठनों से आपने बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं किया, तब क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार इस बात को पूछे कि क्या इस तरह का मैं काले कानून लेकर के आ रहा हूं, इससे हमारे देश के अंदर किसान को फायदा होगा या नुकसान होगा, तब तो इन लोगों ने कोई पहल नहीं किया। अब ये किसान जब कह रहे हैं, सारे संगठन कह रहे हैं कि साहब पहले आपके जो लाभ बिल लाए हो उसको वापस करो, उसके बाद बैठ के बात करें, तो सरकार को बात करना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सरकार वापस नहीं कर सकती, सरकार के हाथ में, सरकार ने जब अंधेर गर्दी से, सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैये से बिना लोकसभा में बहस के इस बिल को पास करा लिया है, तो हम समझते हैं न सिर्फ उल्लंघन है 24A1 का भी उल्लंघन किया जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज पर। चलिए ब्रजेश जी आपके पास लौटूंगा, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मालू जी आप क्या कहेंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज कहना था जी के रूप में या उसका इंटरप्रिटेशन अपने ढंग से करके कांग्रेस जो सिद्ध करना चाह रही है वो बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सरकार है, सरकार को तो कहेगी सुप्रीम कोर्ट की भाई इसका समाधान निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यदि कानून को रद्द करने का फैसला लेती जी सकता था कि सरकार के खिलाफ ही फैसला, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखने का सवाल है, सरकार ने रखा और 8 बार की बातचीत हुई, कई सारे संशोधनों पर सरकार राजी है। देखिए लोकतंत्र में दोनों हाथ से ताली बजती है, आप तो पीठ घुमा के बैठ जाएंगे, नहीं उनको तो ये बिल ही वापस करना है, और केवल एक राज्य और कुछ जगह के किसान, कोई पूरे भारत का प्रतिनिधित्व ये किसान नेता नहीं कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ पूरे देश भर में कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, दूर सुदूर तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक इधर चले जाएं तो आप उधर हिमाचल प्रदेश में या उधर पूर्वांचल में ऐसे कई आवाज नहीं उठ रही है, तो किसानों को ना के जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार बहुत ही विनम्रता के साथ किसान संगठनों से बात कर रही है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सुझाव दिया उन्होंने कि कोर्ट पे क्यों नहीं कर देते, उनका ये अंतिम उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने कानून लाए तो सरकार इनको आपस में बैठ के निपटना चाहिए, और उन्होंने एक और बात कही जिसका उल्लेख ये नहीं कर रहे हैं कि दोनों सरकार के और किसानों के प्रतिनिधियों की कमेटी बना दी जाए, यही तो हम कह रहे हैं बार बार कि भाई बैठिए कमेटी बना दो, बैठो उसमें क्या कर सकते हैं वो बताओ, आप तो एक ही रट लगा के बैठे कि नहीं उनको वापस लो। देखिए कानून बना उसके 7 महीने बाद इन सब की नींद उड़ी, ये जिस दिन ये कह रहे हैं कि ताले बाले पास कर चाप पास करा लिया राज्यसभा में ऐसा हो गया तो किसने रोका था देश भर में इसके लिए, तब क्यों नहीं बोले ये लोग, कुछ नहीं बोले क्योंकि इनके खुद के मैनिफेस्टो सरकार जो इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें भी ये सब चीजें थी, और इसलिए ये सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो किसानों के हित में उठाए हैं, और प्रजातांत्रिक आंदोलन में सरकार बातचीत कर रही है, बातचीत फिर 15 तारीख को होगी, कोई भी रास्ते बंद नहीं किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल नाइंसाफी भी है, लोकतंत्र के तकाजा भी नहीं है कि जो संसद में पास हो चुका ऐसे तो कोई भी एक भीड़ इकट्ठी होगी जो कानून पास होगा उसके खिलाफ लोग हो जाएंगे और एक वर्ग जाएगा और वो आंदोलन करने लगेगा, देखिए लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता, उनकार लोकतंत्र चलता है और लोगों की मंशा क्या है संसद कर। चलिए बहस होकर चलिए मालू जी आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी आपके पास लौटूंगा मालू जी, और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इस चर्चा में, पूरा ही घटनाक्रम आप लगातार देख रहे हैं,
46-47 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, 8 दौर की बातचीत भी हो गई है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया सरकार को कि क्यों ना सरकार इस कानून को फिलहाल होल्ड पर रख दे, और सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, बातचीत हो भी रही है। और एक सबसे अहम बात जो देखने में आ रही है कि पूरे देश में जो है सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को छोड़ दें तो कहीं से कहीं तक ऐसी इस आंदोलन की अलख जगती हुई अन्य राज्यों में दिखाई नहीं दे रही, खास तौर से कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां किसी तरह का कोई आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा। इस पूरे घटनाक्रम पर, और जैसा ब्रजेश पांडे जी कह रहे थे कोर्ट के मामले पर लेकर, और गोविंद मालू जी भी जो हैं वो अपना तर्क दे रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ दोनों भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की से ये आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते पांडे जी सिर्फ विरोध करने की बात करते हैं, सकारात्मक बात नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। दूसरी बात, मालू जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में है, वरिष्ठ नेता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा का पक्ष रखें। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, कहीं ना कहीं इसमें पहले अगर राय ले ली जाती तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं बनती आज। लेकिन सरकार बार बार बुला रही है, सरकार बार बार कह रही है कि आप आइए हमसे चर्चा कीजिए अपन, लेकिन हठधर्मिता किसान संगठनों की भी है। जिस तरीके से किसी को इस देश में हक नहीं है कि आम आदमी के अधिकारों का हनन करें, किसानों की समस्याएं हो सकती हैं, उसका तरीका हो सकता है कि मंत्रालय में जाके बात करें, बैठे उनसे चर्चा करें, और नहीं करते तो आगे की बात करें। लेकिन जिस तरीके से जाम कर देने की बात की, दिल्ली को बंधक बना लिया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली आने वाले सारे रास्तों को पिछले इतने दिनों से आपने रोक रखा है, ये कहीं ना कहीं हठधर्मिता है। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में जो हो रहा है वो सब कुछ किसान नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में गलत तरीके से इनको भड़काया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। नहीं तो सीधा बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, मैं मालू जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर आज सरकार ने जो निर्णय लिया है, या तो सरकार जिस तरीके की इतने निर्णय आज इस मुद्दे पर खड़े हो जाएं, कल दूसरे मुद्दे पर खड़े हो जाएंगे, परसों तीसरे मुद्दे पर खड़े हो जाएंगे, देश का हर नागरिक अपने अपने मामले को लेकर आंदोलन करने लगेगा और वो अपनी बात मनवाएगा, तो सरकार कहां रह जाती है? सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार को चुना है, 135 करोड़ जनता ने सरकार चुनी है, तो सरकार अगर निर्णय ले रही है तो उस निर्णय पर कुछ सहमति असहमति हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की हठधर्मिता हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें किसानों के भी, आप अगर वास्तविक रूप से राष्ट्र हित में सोचते हैं तो आपको आंदोलन वापस लेना चाहिए और जनता के साथ ये तय करें कि आप सरकार के साथ बैठ के बात करेंगे, नरेंद्र तोमर जी से बात करें, जो दूसरे मंत्री हैं उनसे बात करें। लेकिन जिस स्थिति में आंदोलन पहुंच रहा है, ऐसा लगता है कि अब जो बातें, जो आपराधिक बातें की जा रही थी कि इनको गलत लोगों का संरक्षण है, वो हठधर्मिता कहीं हिंसा में तब्दील ना हो जाए। और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार क्या कर रही है, जल्दी निर्णय करे, इस पर कमेटी बना दी जाए। लेकिन अगर बैठक में ये कहा जाए कि नहीं, सिर्फ वापस लेना ही एकमात्र हल है इसका, तो ये संभव नहीं है। सरकार क्या क्या वापस लेगी? सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, आज ये 6 साल से भाजपा की सरकार है, फिर आप कह दो कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो निर्णय लिए थे वो भी वापस लेना है, उसके बाद आप कह दो नरसिंह राव जी की सरकार ने जो निर्णय लिए थे वो भी वापस लेना है, ऐसा संभव नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, इसमें सहमति की बात होना चाहिए, बैठ के चर्चा होना चाहिए। तो मैं तो पांडे जी से आग्रह करूंगा कि अपनी पार्टी के नेताओं को, और दूसरे क्यों नहीं आ रहे सामने, कांग्रेस के सांसद जाके बैठ के चर्चा करें ना, राहुल जी चर्चा करें कि साहब इसमें ये कमी है, इसमें संशोधन कर दीजिए आप। अगर भारतीय जनता पार्टी एक हाथ आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस को 4 हाथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ आंदोलन हो रहा है, सरकार के खिलाफ ही बोलना है हमको, इससे देश का नुकसान हो रहा है। आपको पता है ट्रेनों का, रेलवे का कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, आपको पता है दिल्ली का व्यापार कितना प्रभावित हुआ है, और ये देश की हानि है। तो इसमें दोनों पक्षों को, मुझे ऐसा लगता है कि संवाद करके और इसका हल निकालना चाहिए, जरूरत ही नहीं है। सरकार देश की है ना, जनता की है, किसान इस देश का हिस्सा है, देश की लीड है। और अगर ये बात बिल्कुल सही कही है कि जिस तरीके से सिर्फ पंजाब में या हरियाणा के कुछ लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से बाकी देश में, तो क्या हमारे देश में जितने प्रदेश हैं उसमें सिर्फ मात्र 2 राज्य इस हठधर्मिता से पूरा कानून बदलवा लेंगे क्या? 2 राज्य के किसान पूरा बदल लेंगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। देश में आम सहमति अगर ऐसा है
तो आप इसके पहले भी जितने निर्णय लिए हैं और उसके बाद पहले 200 कुछ सीटें हुआ करती थी भाजपा की, और इन नोटबंदी और कई निर्णय लेने के बाद 303 सीटें आ गई, तो देश तो साथ में था ना। मुझे लगता है कि किसानों को बैठ के चर्चा करना चाहिए, और चर्चा करके फिर कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि वो किसान विरोध कर रहे हैं, तो हम भी साथ में खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है इस पर दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। चलिए शिशिर जी आपके पास आऊंगा। ब्रजेश जी क्या कहेंगे, जैसा शिशिर जी कह रहे हैं कि हठधर्मिता छोड़ना चाहिए और सिर्फ दो ही राज्य के किसान जो हैं पूरे देश के कानून को बदलने का काम नहीं कर सकते, लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का हक है और बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा, लेकिन यदि कोई बातचीत या कोई आंदोलन जिद में तब्दील हो जाए तो मुश्किल होना लाजमी है और वैसा ही हो रहा है, क्या कहेंगे? अविनाश जी, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की पत्रकारिता और देश की पत्रकारिता के आप पहली पंक्ति बड़े मुखर पत्रकार हैं, एंकर हैं, शिशिर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इनकी बातें सिर्फ एक तर्क है, दावा नहीं हो सकता। मेरा सीधा सा शिशिर जी से कहना यह है और गोविंद मालू जी से कि जिस तरह से आज कोर्ट ने सारी की सारी सुनवाई किया, वो सुनवाई में देख रहा था और पढ़ा हूँ क्योंकि मैं भी लागा छात्र हूँ, तो मैं देखा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से अटॉर्नी जनरल को कहा, वेणुगोपाल जी को, कि आप हमें सुझाव देंगे, आपको मैं सिर्फ कल तक का समय देता हूँ। कोर्ट ने पहली बार किसी भी केस में जनहित मुद्दे पर इस तरह की गंभीर टिप्पणी की। दूसरी बात, सरकार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई, मालू जी इस को पढ़ने, मेरे इनके पास कॉपी ना, मैं ऑर्डर शीट की कॉपी देता हूँ, जमकर फटकार लगाई और कहा कि पिछले 40 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन जिस तरह से रूप ले रहा है, इसमें महिलाएं भी आ रही, इसमें बच्चे भी आ रहे हैं, इसमें बुजुर्ग आ रहे हैं। अरे सरकार कर क्या रही है? सरकार को इस तरह के कानून को अगर लगता है कि इस तरह के कानून से देश के अंदर लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, और सिर्फ जो शिशिर जी कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान है, मध्य प्रदेश के किसान यूनियन से लेकर उत्तर प्रदेश के किसान यूनियन से लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों से लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। आज टीवी चैनलों में देख रहा था विभिन्न विभिन्न प्रांतों के किसान संगठन, जो 42 संगठन है, वो लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है, शिशिर जी उन्हें बात खत्म कर लेने दीजिए, शिशिर जी उन्हें बात खत्म कर लेने दीजिए, क्या आप भी बोलेंगे तो वो डिस्टरबेंस पैदा होता है कि हम लोग तकनीकी रूप से जुड़े हुए हैं जी, इसलिए कह रहा हूँ जी। ब्रजेश जी जल्दी बात खत्म करिए क्योंकि हमें मालू जी को भी सुनना है जी। जैसे भोबड़े जी जिस बात को लेकर आज उन्होंने भड़के और जिन्होंने स्कूल सरकार को लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ समय दे रहा हूँ, कल तक, कल मैं फैसला करूंगा, ये किसी भी केस में आप उठा के AIR देख लीजिए, शिशिर जी भी मालू जी भी, किसी भी केस में कोर्ट ने पहली बार इतनी सख्ती से बात किया। कोर्ट भी परेशान हो रहा है, कोर्ट को लग रहा है कि सरकार की बातों में पात्रता नहीं, कहीं ना कहीं कपट है, कहीं ना कहीं। चलिए ब्रजेश जी, मालू जी अब तो ये जिस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी करी है, जिस तरह से कोर्ट ने, ब्रजेश जी अब समय थोड़ा सा कम है, माफी चाहूंगा आपसे, आपकी बात पूरी तरह से आ गई है, सामने आ गई है। मालू जी कोर्ट बड़ी बात, अब केंद्र सरकार निर्णय लेती तो ज्यादा बेहतर होता, अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि ये होल्ड पर क्यों नहीं रखती सरकार, अब यदि सुप्रीम कोर्ट को ही यदि कोई फैसला लेना पड़ गया कठोर तो क्या कहेंगे? विनायक जी, कांग्रेस गलत इंटरप्रेट कानून का भी कर रही है, किसानों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट की भी बारी है, उनके साथ भी यही खिलवाड़ कर रही है। ब्रजेश जी बात खत्म, आपकी सुनी उन्होंने पूरी तरह से बात, मालू जी बोलिए, ब्रजेश जी उन्हें सुन लेने दीजिए, आपको सुन लिया उन्होंने, उन्हें कह लेने दीजिए अपनी बात जी। मालू जी बोलिए, कोर्ट के लिए वर्डिक्ट देना एक मिनट का काम था कि ये नहीं गलत था आपका रवैया और आप किसान का निर्णय करने, ब्रजेश जी सुन लेने दीजिए जी, बोलिए मालू जी। और ये भ्रम पैदा करने की तो मशीन है पास, और संभावनाओं पर राजनीति करने की, ये इसी का उपयोग पूरे देश भर में कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो कुछ है नहीं, इनको कहीं मुद्दा मिलना चाहिए, और ये ऐसे किसानों के भावनात्मक शोषण करने वाले लोग लगातार उनके पक्ष में बात नहीं, कानून के कुछ हिस्सों पर करके संशोधन की बात की जा सकती है, रद्द कर। अरे ऐसी
जो किसानों के खिलाफ कोई कानून ले आएगी तो क्या उनको राजनीति नहीं करना? क्या उनको आगे किसानों का हित नहीं देखना? क्या उनको आगे चुनाव में नहीं जाना? ये बहुत ही गलत परंपरा और गलत तरीका है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ कहा नहीं बारे में, दोनों पक्षों को उन्होंने कहा है और ये कहा है कि प्रतिनिधि लेते हैं उस बात को नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उसको होल्ड पे रख क्यों नहीं देते, तो चुनाव की बात थी, ऐसा क्यों नहीं कर देते? लेकिन उन्होंने मूल बात ये कही कि दोनों किसानों के भी और सरकार के भी प्रतिनिधि और इस पर क्या हो सकता है इस पर विचार करें। और ये हम भी यही कहेंगे, कोई भी होगा तटस्थ व्यक्ति वो यही कहेगा, न्यायाधीश न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को क्यों घसीटना? इस आपकी राजनीति में जो काम कर रही है उसकी बात कहेंगे तो अपनी बात भी कहेगा। इसलिए अब ये सारे निर्णय और ये सारे फैसले, चलिए मालू जी चलिए चर्चा का समय थोड़ा समाप्त हो रहा, नहीं तो ये बात तो लगातार हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी बैठेंगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शिशिर जी से अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं। शिशिर जी, अब जब गेंद सुप्रीम कोर्ट के ही पाले में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ आदेश करता है, सरकार कोई आदेश करता है या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है, फिर तो वो सभी को सर्वमान्य होगा। लेकिन ये जो पूरा लब्बुलवाब है इस पूरे आंदोलन का और पूरा निचोड़ है वो देखा जाए तो सब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल रखा है, किसान भी जो हैं बातचीत करने पहुंचे हैं, विपक्ष भी जो है इस आंदोलन को हवा देने का काम कर रहा है, ये भी हमने और आपने देखा। कुल जमा ये जो पूरा ही ये आंदोलन है इसको लेकर अब जो घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, क्या कहेंगे? चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी ही है। मुझे ऐसा लगता है अविनाश जी, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है अविनाश जी कि केंद्र की सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने जो बोला है, मेरे मित्र पांडे जी सहमत होंगे कि इसके पहले जब दिल्ली में कानून को लेकर धरने पर बैठा था, इससे ज्यादा कड़ी टिप्पणी करी थी मेरे मित्र, मैंने चूंकि उसको चैनल पर दिखाया भी था, उसको वो किया था। कलकत्ता में जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी, केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, राज्य सरकार के खिलाफ, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राजस्थान में और गुजरात में कुछ बच्चों की आगजनी से मौत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो टिप्पणी आपको लगता है कि सरकार को नैतिक आधार पर रिजाइन कर देना था, ऐसी टिप्पणी करी थी? जनहित का मामला है, जनता के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, ये जनहित में जो कुछ किया है जी तो जो कहा है, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अविनाश जी बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि आइए बैठ के बात करते हैं, अभी तक जितनी बार देखा है किसान संघ ये बोल रहे हैं नहीं बैठ के बात कर रहे नहीं है, सिर्फ यस और नो में नहीं चलता, ये धर्मिता है, अहंकार है। अब इसको बैठ के अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो माननीय उच्च न्यायालय की बात मानते हुए केंद्र सरकार पहले से बुला रही है, आप आइए बैठिए बात करिए, लेकिन सिर्फ यस और नो की बात नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है किसान संगठनों को आगे बातचीत किसी भी स्तर की बातचीत हो जी, हो सकता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने शिशिर जी, बातचीत में यस और नो नहीं होता, बातचीत विस्तार से होती है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बातचीत होती है, आगे बढ़ती है। और जाहिर तौर पर जब सरकार जो है कह दिया सब कर लेंगे समर्थन जी, अगर सरकार नहीं करी तो वो तो खुद संशोधन करने के लिए तैयार है साहब, वो कानून जो है कानून आ गया है, कानून पास हो गया है, अब उसमें संशोधन करने की बात जब सरकार स्वीकार कर रही है और तमाम बातें वो कह भी रही है, ऐलान कर चुकी है सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि MSP जो है वो जारी रहेगी, उस वो कहीं बंद होने वाली नहीं है, जो सबसे बड़ा मुद्दा वो था, और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन यदि संशोधन जो हैं, जिन चीज़ों पर एतराज है किसानों को, उन पर यदि कोई रद्दो बदल होता है तो उसके लिए आगे आना चाहिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए ताकि देश में एक बेहतर वातावरण विकसित हो सके, किसानों को भी जो है नुकसान ना हो, उनके फायदे की बात सरकार कर रही है तो वो भी देखना, आने वाले समय में देख के ही पता लगेगा कि किसान की आय जो दोगुनी करने का बात केंद्र सरकार ने बात की है उसका उसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या होता है, उसके लिए वक्त भी तो देना ही होगा, देखना होगा भी अब आने वाले समय में अब क्या होता है, कौन सा रुख ये आंदोलन अपनाता है और कहाँ तक जाती है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, शिशिर जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो किसान
संगठनों का जो आंदोलन है दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार जारी है। बातचीत 8 दौर की हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर अपनी टिप्पणी देता है, आदेश करता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसानों और सरकार में जो है गतिरोध लगातार बना हुआ है, देखना होगा कि ये कब खत्म होता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।